गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। टुडे आई विल टीच पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है। सन 1905 में यह जो है कि डिस्कवरी हुआ कि प्रकाश दोनों गुण प्रदर्शित करता है। प्रकाश एक तरंग की तरह व्यवहार करता है और प्रकाश एक कण की तरह भी व्यवहार करता है। इसके बारे में डी ब्रॉग्ली ने अपना एक इक्वेशन भी प्रोवाइड किया, एक इक्वेशन भी दिया जिसे डी ब्रॉग्ली का इक्वेशन कहते हैं, ठीक ना। इसलिए कि ये जो लाइट है, प्रकाश है, वो दोहरा नेचर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इस बात की पुष्टि सन 1905 में हो गई। तो इसके लिए डी ब्रॉग्ली ने प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक के अकॉर्डिंग दिए हुए सिद्धांत से इक्वेशन लिया। प्लैंक ने क्या सिद्धांत दिया था, प्लैंक का सिद्धांत था कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइट इमिट करने वाली सोर्स, लाइट को वह लगातार नहीं इमिट करके ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित करती है। उस छोटे छोटे पैकेट को हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। तो एक क्वांटा की ऊर्जा जो होती है उसको हम प्रसिद्ध कर सकते हैं E=hν, क्योंकि ऐसा माना गया है कि कोई भी वस्तु जो ऊर्जा इमिट करती है उसकी ऊर्जा जो इमिट होने वाले प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश की आवृत्ति कैसी है, ठीक है ना। तो प्रकाश की आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो उस निकलने वाले फोटान की ऊर्जा E=, क्या लिख सकते हैं हम, E=nu। मतलब जिस फोटान की जितनी ही अधिक आवृत्ति होगी उसकी एनर्जी उतनी ही अधिक होगी, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हैं हम प्लैंक के अनुसार, E=nu। मतलब कि न्यू का मान, न्यू क्या है भाई, तो न्यू यहां पर आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं E=hν। एक ही इक्वेशन ले लिया जहां पर एच एक नियतांक है, जिसे प्लैंक नियतांक कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड। क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड। तो एक इस इक्वेशन को ले लिया डी ब्रॉग्ली ने और आइंस्टीन के इक्वेशन से एक लिया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के समीकरण से तीन के समीकरण से क्या होता है, E=mc²। जहां ई कह रहा है किसी भी वस्तु को यदि हम प्रकाश की चाल से दौड़ा दें तो उसका टोटल मास एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जहां पर ई एनर्जी है, एम वस्तु का मास है और सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये इक्वेशन नंबर दो हो जाता है। अब हम ये इक्वेशन फर्स्ट प्लैंक से ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, प्लैंक से। ये इक्वेशन हम प्लैंक से ले लेंगे
और ये ले लेंगे आइंस्टीन से, दोनों इक्वेशनों को हम मिला देंगे तो इक्वल एच न्यू या इक्वल एम सी, तो हम लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? तो समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं कि न्यू इक्वल सी बाई लेमडा, तो यहाँ हम ले लेंगे एच इंटू सी बाई लेमडा इक्वल एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इस सी से इस सी को कैंसिल करा देंगे तो क्या मिल जाएगा? एच बाई लेमडा इक्वल एम सी, या हम लिख सकते हैं इसको या ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर आपका एच इक्वल लेमडा इंटू एम सी, या हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि लेमडा इक्वल एच बाई एम सी, लेमडा इक्वल एच बाई एम सी ये लिख सकते हैं। एच बाई ये हो जाएगा, या एच इक्वल लेमडा इंटू एम सी, या लेमडा इक्वल एच बाई एम सी। कह रहा है कि यदि हम इस इक्वेशन में इस समीकरण में क्या कर दें, प्रकाश की चाल की जगह पर वस्तु की चाल भी रख दें तो लेमडा इक्वल हमारा हो जाएगा एच बाई एम वी, या लिख सकते हैं लेमडा इक्वल एच बाई पी, क्योंकि हम जानते हैं कि एम इंटू वी इक्वल होता है संवेग मोमेंटम, तो हम एम इंटू वी की जगह क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। तो दिस इक्वेशन, इस समीकरण को हम डी ब्रॉग्ली का समीकरण कहते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया आपका, ये इक्वेशन मिल गया है, ये क्या है? डी ब्रॉग्ली का समीकरण, समीकरण क्या हो गया? डी ब्रॉग्ली का समीकरण। कैसे हम मिला निकालते हैं भाई? तो प्लैंक के समीकरण इक्वल एच न्यू से, और आइंस्टीन के समीकरण इक्वल एम सी स्क्वायर, दो इक्वेशन बनाते हैं समीकरण और दोनों को मिला देते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर। क्लियर है? चूंकि हम जानते हैं कि न्यू इक्वल, न्यू क्या है? आवृत्ति है। ठीक, तो हम जानते हैं कि न्यू इक्वल, न्यू इक्वल सी बाई लेमडा, तो हम इस न्यू के जगह पर क्या लिख देंगे? एच इंटू सी बाई लेमडा इंटू एम इंटू सी, और सी से सी को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा? एच बाई लेमडा इक्वल एम सी, या एच इक्वल लेमडा इंटू एम सी, या लेमडा इक्वल एच बाई एम सी। हम यहाँ पर c जो प्रकाश की चाल है उसके जगह पर वस्तु की वेग भी लिखते हैं, तो हो जाएगा लेमडा इक्वल एच बाई एम भी, या लेमडा इक्वल एच बाई पी। क्यों p लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं p संवेग है और m इंटू वी इक्वल होता है p। तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? डी ब्रॉग्ली का समीकरण। ठीक है ना, तो ये डी ब्रॉग्ली का समीकरण हो गया, इसको स्टडी कीजिए। और ठीक, इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोगों को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताएंगे और उस पर संबंधित समीकरण।